पाकिस्तान में 1948 में आया और कहीं नहीं गया। ये शहर मैंने नहीं छोड़ा, इससे अच्छा कोई शहर नहीं है। आप लोग जिस उम्र में हैं बेटा, दुनिया भर में कई ममालिक ऐसे हैं जो माजूर हो गए थे, बड़े छोड़ गए या मर गए, मगर नौजवानों ने वो मुल्क नहीं छोड़े और उनको कहाँ पहुँचा दिया। आप लोगों भी आज वादा करें कि इस मुल्क को आपने ठीक करना है, आप हैं तो ये मुल्क है, वादा है आपका ये, बिल्कुल ये आपका वादा है। और मैं, क्योंकि मेरी उम्र 85 बरस है, मुमकिन है कि मैं चंद घंटों का क्या, चंद मिनट्स का मेहमान हूँ, मगर मैं जितनी ज़िंदगी मैंने गुजारी है सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, तो और इंशाल्लाह वो आपका हक है। और ये जिस फेस्टिवल का आज इख्तिताम हो रहा है, ये एक मौजज़ा हुआ है इस शहर में, यानी कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है वो 40 ममालिक में तो मिल जाता है, मगर 40 ममालिक का आना एक मुल्क में, ये 44 ममालिक का, ये यकीन नहीं आता, ये ख्वाब था एक, वो ख्वाब पूरा हो गया। मैं जब आज दाखिल हुआ, मैं आ रहा था तो मैं समझा मैं इस्लामाबाद में आ गया हूँ, ये कराची नहीं है, क्योंकि हर तरफ कंटेनर्स थे। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे कि आप लोग आएं और बाहर ना जाएं, यहीं मौजूद रहें और आप मौजूद रहे। आप सबका शुक्रिया, खुदा आपको खुश रखे, उतना खुश रखे जितने 44 ममालिक के फनकार इस फेस्टिवल में आके खुश रहे। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अनवर, आपके मुल्क के बारे में तो हमसे अजीब वरी बातें की गई थी, हम डर रहे थे जब यहाँ एयरपोर्ट पर आए, मगर जाते हुए दुख हो रहा है कि हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, यहाँ हम और रहना चाहते हैं। ये बड़ी बात है, ये सब शाह साहब का कमाल है कि शाह साहब ये आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, ये एक जिन है, बिल्कुल ये जिन है। ये ना सोते हैं, ना इनको ये पता है कि इनका गला बंद है, और इनके साथ जो इनकी बेगम है वो हमेशा मुझे फ़ोन करती हैं, मगर बेटा हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी बीवी हो। तो शाह साहब खुशनसीब आदमी हैं। पाकिस्तान में 1948 में आया और कहीं नहीं गया, ये शहर मैंने नहीं छोड़ा, इससे अच्छा कोई शहर नहीं है। आप लोग जिस उम्र में हैं बेटा, दुनिया भर में कई ममालिक ऐसे हैं जो माजूर हो गए थे, बड़े छोड़ गए या मर गए, मगर नौजवानों ने वो मुल्क नहीं छोड़े और उनको कहाँ पहुँचा दिया। आप लोगों भी आज वादा करें कि इस मुल्क को आपने ठीक करना है, आप हैं तो ये मुल्क है, वादा है आपका ये, बिल्कुल ये आपका वादा है। और मैं, क्योंकि मेरी उम्र 85 बरस है, मुमकिन है कि मैं चंद घंटों का क्या, चंद मिनट्स का मेहमान हूँ, मगर मैं जितनी ज़िंदगी मैंने गुजारी है सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, तो और इंशाल्लाह वो आपका हक है। और ये जिस फेस्टिवल का आज इख्तिताम हो रहा है, ये एक मौजज़ा हुआ है इस शहर में, यानी कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है वो 40 ममालिक में तो मिल जाता है, मगर 40 ममालिक का आना एक मुल्क में, ये 44 ममालिक का, ये यकीन नहीं आता, ये ख्वाब था एक, वो ख्वाब पूरा हो गया। मैं जब आज दाखिल हुआ, मैं आ रहा था तो मैं समझा मैं इस्लामाबाद में आ गया हूँ, ये कराची नहीं है, क्योंकि हर तरफ कंटेनर्स थे। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे कि आप लोग आएं और बाहर ना जाएं।
यहीं मौजूद रहें और आप मौजूद रहे। आप सबका शुक्रिया, खुदा आपको खुश रखे, उतना खुश रखे जितने 44 ममालिक के फनकार इस फेस्टिवल में आके खुश रहे। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अनवर, आपके मुल्क के बारे में तो हमसे अजीब वरी बातें की गई थी, हम डर रहे थे जब यहाँ एयरपोर्ट पर आए, मगर जाते हुए दुख हो रहा है कि हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, यहाँ हम और रहना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। ये सब शाह साहब का कमाल है कि शाह साहब ये आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, ये एक जिन है, बिल्कुल ये जिन है। ये ना सोते हैं, ना इनको ये पता है कि इनका गला बंद है, और इनके साथ जो इनकी बेगम है वो हमेशा मुझे फ़ोन करती हैं, मगर बेटा हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी बीवी हो। तो शाह साहब खुशनसीब आदमी हैं, बहादुर आदमी हैं, अपनी मेहनत उनकी रंग लाई और ये 44 मुल्कों के लोग आए और चले गए। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।